तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप पीछे देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा ब्लर हो रहा है और मेरी वीडियो की क्वालिटी भी आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी कि वीडियो में क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अभी मैं बिल्कुल खुले में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको बाहर हाईवे का साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैकग्राउंड ब्लर की, जो आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। मेरा चेहरा आपको साफ दिख रहा होगा लेकिन पीछे का जो बैकग्राउंड ब्लर है वो काफ़ी अच्छा आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो, बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ कैमरे में काम आती है वो है उसका लेंस। अगर दोस्तों आपके लेंस का अपर्चर 3.5 से ज़्यादा है तो वहाँ पर आपके कैमरे के पीछे ब्लर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके एक किट लेंस लेते हैं, 50mm का किट लेंस अभी मैंने लगा रखा है अपने कैनन के कैमरे में, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पीछे काफ़ी अच्छा ब्लर आप देख पा रहे हैं। अब कैमरा कोई सा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके पास एक प्राइम लेंस है तो उसका एडवांटेज काफ़ी अच्छा है, जो कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। और यही ब्लर अगर आप अपने कैमरे में लाना चाहते हैं, अपने वीडियो में लाना चाहते हैं, तो आपको कैमरा बाय करने से पहले या फिर कैमरा बाय करने के साथ ही या फिर कैमरा बाय करने के बाद एक किट लेंस आपको ज़रूर ले लेना है। किट लेंस का एडवांटेज यही है कि उसकी जो पिक्चर होती है वो काफ़ी शार्प होती है, और शार्प पिक्चर के कारण आप अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाते हो अपनी वीडियो में। बाकी दोस्तों, ये वीडियो यूट्यूबर्स के लिए हेल्पफुल है। जो लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं उनको इस तरह की क्वालिटी अगर चाहिए तो वो अपने DSLR के साथ एक प्राइम लेंस ज़रूर खरीदें। 50mm का प्राइम लेंस मैंने लगा रखा है, जिसकी कीमत अगर आप कैनन में जाओगे तो अमेजोन पर 8 से 10 हज़ार रुपये के बीच में मिल जाएगी। कभी कभी सेल में ये 8 हज़ार में मिल जाता है और कभी कभी ऑफ डेज में ये 10 हज़ार तक चला जाता है। बाकी मैंने 9 हज़ार रुपये में इसको ख़रीदा था। अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इससे आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू।